उत्तराखंड के उत्तरकाशी में के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। ऑपरेशन को पूरा होने में 2 से 3 दिन का वक्त लगने की उम्मीद है। टनल के हादसे को लेकर अधिकारियों के संपर्क में उत्तराखंड के सीएम, सभी मजदूरों के सुरक्षित होने की उम्मीद। यूपी के आगरा में एक होटल में महिला के गैंगरेप का मामला सामने आया। 5 लोगों पर शराब पिलाकर जबरदस्ती रेप का आरोप, विरोध करने पर पीटा गया। महिला ने चिल्लाकर लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन मौके पर पहुंचे लोगों ने मदद के बजाय वीडियो बनाना शुरू कर दिया। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला को रेस्क्यू कर लिया गया है। आगरा में ब्रह्म कुमारी संस्था की 2 सगी बहनों की खुदकुशी के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फिर भारत पर निज्जर किलिंग का आरोप मढ़ा। कहा, हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल हो सकते हैं। बीजेपी नेता मंजिंदर सिंह सिरसा ने कनाडा के आरोपों पर उठाया सवाल। कहा, अपनी नाकामी छिपाने के लिए ट्रूडो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आज फिर चुनावी दंगल में उतरेंगे पीएम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। एमपी में अमित शाह का चुनाव प्रचार, 1 दिन में 5 सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में करेंगे चुनाव प्रचार, नीमच और हरदा में रैली को संबोधित करेंगे, 1 रोड शो भी करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज मध्य प्रदेश जाएंगे, चित्रकूट और सीधी में करेंगे चुनावी सभा। एमपी में खोले जाएंगे सीएम राइज स्कूल, लैब, लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस की सुविधा होगी, सीएम शिवराज का बयान। सीएम शिवराज सिंह का दावा, अगले 5 साल में भारत का नंबर 1 स्टेट होगा मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कांग्रेस पर अटैक, झूठे वादे करती कांग्रेस, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा उनके लिए गरीब सिर्फ वोट बैंक है। कुछ दिन बाद सीएम शिवराज नहीं रहेंगे बेरोजगार, मुंबई जाकर करेंगे एक्टिंग, कमलनाथ का तंज। कमलनाथ बोले, मैं 16 महीने था सीएम, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। दिवाली के मौके पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के परिवार से मिले सीएम केजरीवाल, त्यौहार की खुशियां बांटी। दिवाली के बाद दिल्ली और एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण, कई जगहों पर AQI गंभीर कैटेगरी में, सुबह के वक्त छाई रही गहरी धुंध। मुंबई में भी कई जगहों पर रात को दिखाई दी धुंध, दिवाली के पटाखों का दिखा साइड इफेक्ट। तमिलनाडु के मदुरई में भी खराब हुई हवा की गुणवत्ता, दिवाली के पटाखों की वजह से धुंध छाई हुई है। दिवाली पर जगमगा रही दिल्ली, सड़कों और इमारतों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। दिवाली के मौके पर जगमग हुआ राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को लाइट से सजाया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले पीएम, दिवाली की शुभकामनाएं दी। हिमाचल प्रदेश के लेपचा में पीएम मोदी ने बीएसएफ के जवानों के साथ मनाई दिवाली, पीएम ने जवानों का मुंह मीठा करवाया। पीएम ने कहा, जवानों के साथ मिठाई खाकर मेरी दिवाली मधुर हो गई, 35 सालों से जवानों के बीच दिवाली मना रहा हूं। दुनिया की भारत से अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं, अब दम हमारा होगा, कदम भी हमारा होगा, पीएम मोदी का बयान। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने घर पर की काली पूजा, सीएम ने सभी के कल्याण की कामना की। अखिलेश यादव ने दिवाली पर एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, पीडीए की सत्ता आएगी, सामाजिक न्याय की रोशनी लाएगी। गुजरात के अमरेली में दीपावली की रात दिखा अनोखा नजारा, सावरकुंडला में खेला गया इंगोरिया युद्ध। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर लक्ष्मी पूजा की, परिवार के साथ शामिल हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर मनाई दिवाली, दिए जलाते हुए नजर आए। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा बीती रात दिवाली पर ऑन ड्यूटी पुलिस के लोगों से मिलने पहुंचे, मिठाइयां बांटी, त्यौहार की शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की मुलाकात की, पीएम मोदी की तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लंदन में बाप श्री स्वामीनारायण मंदिर में दिवाली मनाई, जयशंकर और उनकी पत्नी ने मंदिर में पूजा की। गुजरात के नवसारी में आग का तांडव, स्क्रैप के गोदाम में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। अहमदाबाद में खुले मैदान में लग गई भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कपड़े की 2 दुकानें आग की चपेट में आ गई, धू धू कर उठी लपटें। पुणे के शुक्रवार पेट इलाके में एक गोदाम में लगी आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं है। तेलंगाना की एक फुटवेयर कंपनी में भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मथुरा के गोपाल बाग में पटाखा बाजार में लगी आग, कई दुकानें जलकर खाक हुई, कई लोग जख्मी हैं। दिल्ली के राजौरी गार्डन में मेट्रो स्टेशन पर सुसाइड, एक महिला ने मेट्रो ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी। इसराइल हमास जंग का आज 38वां दिन, इसराइल ने गाजा पट्टी में और तेज किए हमले, हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा। इसराइली एयरफोर्स के विमानों ने हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर हमला बोला, हथियारों के गोडाउन, वेयरहाउस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर गिराए बम। हमास के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों पर इसराइली पीएम नेतन्याहू का हमला, कहा लोगों को गुमराह कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। दिवाली पर वर्ल्ड कप में भारत का जीत का धमाका, नीदरलैंड पर दर्ज की 160 रनों की धमाकेदार जीत। भारत की नीदरलैंड पर जीत के बाद पीएम मोदी ने भारतीय टीम को दी शुभकामनाएं।